हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का वक्त हो रहा है और अभी जस्ट सारा काम करके और बैठी हूँ मैं। सारा काम मेरा हो गया है और अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। अभी 12 बज रहा है। आज थोड़ा सा लेट हो गया नहाने में क्योंकि थोड़ा सा घर में काम था तो उसकी वजह से लेट हो गया है। और बताइए आप सब कैसे हैं? और कल मैं बाल धोई हूँ शैम्पू से क्योंकि कल मेरे सर में जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मेरे सर पूरा सर में तेल लगा लिए थे, ठंडा तेल लगाए थे क्योंकि कल बहुत सर दर्द था। इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी तो इसलिए सोचे कल बाल धो लेते हैं। तो बाल धो लिए हैं आज। और देखिए बाल धोने के बाद ना अभी पंखे के पास बैठी हुई थी, इतना मज़ा आ रहा है ना कि आप लोग बता नहीं सकते, बहुत मज़ा आ रहा है। आप गर्मी का मौसम है ना, आप नहा लोगे ना बाल धो के और उसके बाद पंखे के पास बैठो, कितना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और बाल भी सूख जा रहे हैं मेरे। और देखिए मेरे दोनों बच्चे शरारती लोग यहीं बैठे हुए हैं। अभी जब नहा के आई ना तो इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को तरबूज खाना है। तो ये देखिए दोनों को तरबूज दिए हैं। देखिए मैं भी खा रही हूँ बैठ के। और जिस जिसको खाना है तरबूज वो लोग आ जाइए खाने के लिए क्योंकि अभी मेरे जो ससुर जी है ना, मेरे इन लोग के दादाजी, तो वो मार्केट गए हुए थे तो वहाँ से तरबूज लेके आए। तो अभी नहा के आए हूँ तो ये लोग दोनों बोल रहे हैं कि मम्मा फाड़ दीजिए खाएँगे। तो अभी देखते कि जस्ट फाड़ के ये लोग को दे दें खाने के लिए। तो ये लोग खा रहे हैं। और आप लोग को अगर खाना है पसंद है तो प्लीज़ आ जाइए खाने के लिए तरबूज। और अभी गर्मी का मौसम है ना तो ये सब अच्छा लगता है खाने में ना। अच्छा भरपूर मात्रा में हम लोग को बहुत सारा विटामिन है इसके अंदर, पानी भरपूर मात्रा में तरबूज में। तो अभी तो गर्मी का मौसम ये सब ज़्यादा ही मिलेगा। तरबूज हो गया, बेल का शरबत, मतलब ये सब ज़्यादा ही अब मिलेगा। और मेरे घर तो मेरे ससुर जी जो है वो मार्केट एरिया में ज़्यादा रहते हैं तो वो हमेशा लाते हैं। हमें घर में सबको बहुत पसंद भी है तरबूज खाना। ये देखिए दोनों शरारती लोग, दोनों को देती हैं प्लेट में काट के तो दोनों खा रहे हैं। देखिए मेरी बेटी लोग बोलते हैं कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तरबूज खा रहे हैं। मैंने आप लोग से बोली थी कि आप लोग कमेंट में मुझे सजेशन देना कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँगी। तो आया था मुझे कि आप खाना बनाने का बनाओ। तो खाना बनाने का ना मैं बना सकती हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा ना जुगाड़ अभी नहीं है। तो थोड़ा इसका प्रॉब्लम है, अभी कोई जुगाड़ नहीं है कि मोबाइल को मैं कहीं एडजस्ट कर दूँ कहीं रख दूँ। हाँ बेटा बैठे, तो इसी वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ। तो अभी बस फेस ब्लॉग ही बना लेंगे इसी तरह। और अगर मेरे पास वो जो स्टैंड होता है वो आ जाएगा ना तो फिर मैं ले लूँगी ना, तो मैं बनाऊँगी खाना पीना कभी कभी बना लिया करूँगी। मेन बात है कि कोई पकड़ने वाला भी नहीं है कि कोई मेरा मोबाइल को पकड़ेगा तो मैं कुछ कर पाऊँगी। तो इसलिए मेरे बाबू यहीं पर है ना, वो मोबाइल खींच रहा है इसलिए हिल जा रहा है। तो बस उसी वजह से मैं नहीं कर पाती कुछ भी। और पहले मैं स्टार्टिंग में जब बनाती थी ना तो मैं खाना वगैरह का ही बनाती थी। पहले का जो मेरा वीडियो सब है तो उतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं सोची कि पहले इस तरह बनाती हूँ बातचीत करने का, फिर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो इसलिए नहीं बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने बोला है तो मैं कोशिश करूँगी बनाने के लिए, बनाऊँगी है ना। थोड़ा सा मेरे पास वो इंतज़ाम नहीं है और ना कोई पकड़ने वाला भी नहीं मेरे घर में कि कोई मेरे मोबाइल को पकड़ लेगा तो मैं बना लूँगी। इसी वजह से नहीं बना पा रही हूँ। और बताइए अभी दोपहर का वक्त है, आप लोगों का खाना पीना हुआ कि नहीं? मेरे तो अभी नहीं हुआ है। बस सुबह में भी मैं नाश्ता नहीं की थी आज, बस हलवा बनाई थी वही खाती हूँ। अभी तक मन नहीं कर रहा था यार, गर्मी का मौसम आ गया ना तो खाना खाने का भी मेरे को उतना मन नहीं करता। थोड़ा बहुत खा लेती हूँ बस हो जाता है। और आजकल पता है मैं डाइट भी कर रही हूँ थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा लग रहा है ना मुझे कि थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कुछ भी नहीं आप इसी तरह ठीक हो, लेकिन मेरे को लग रहा है। तो आजकल मैं पता है सुबह उठ के एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ 1 घंटा, 4 बजे उठ के एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ 1 घंटा और उसके बाद जो भी मेरा घर का काम है वो भी ख़त्म करती हूँ। क्योंकि यार देखिए पतले रहोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कोई भी कपड़ा जिसका है। और हम लोग तो सूट पहनते हैं तो अगर मोटे हो जाएंगे ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए तो अभी गर्मी का ठंडा में तो थोड़ा रोक देती है एक्सरसाइज करना क्योंकि ठंडा में कौन उठेगा सुबह सुबह मन नहीं करता है। तो अब तो गर्मी का मौसम आ गया है तो सुबह 4, 4:30 बजे उठ जाते हैं तो आराम से 1 घंटा एक्सरसाइज भी हो जाता है मेरा। और फिर अपना घर का जो भी काम है, नाश्ता खाना बनाना, वो सब भी होता है। बच्चे लोग भी सोए रहते हैं तो इसलिए जल्दी उठ के कर लेते हैं। और किस किस को एक्सरसाइज करना पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है भाई, शरीर को फिट रखना अच्छी बात है और रखना भी चाहिए। और मुझे मोटी तो बिल्कुल भी नहीं होना है, इसीलिए मैं करती हूँ। ज़्यादा मैं मोटी नहीं हूँ बट फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। और एक बात आप लोग से बताऊँ, मैंने अपना नया हेयर कट करवाया है, ये देखिए। पहले मेरे बाल लंबे थे ना, लेकिन अब छोटे हो गए हैं क्योंकि होली के वक्त मैं गई थी सैलून ना, वो बाल कटवा ली हूँ। क्योंकि बड़े पहले तो लंबे थे, कम्बर के थे मेरे बाल थे, तो बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे ना, झड़ गए थे, तो इसीलिए कटवा ली हूँ। थोड़े छोटे हो गए हैं लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है। आप लोग कैसा लग रहा है मेरा हेयर कट बताइएगा आप लोग। मुझे अच्छा लग रहा है और ये तो अपना खेती है ना, बढ़ जाए कभी भी, है ना। तो बस देखिए हम लोग अभी तक, मैं भी अभी खाऊंगी, खाई नहीं हूँ, पहले सोची आप लोग से बात कर लेती हूँ फिर खाऊंगी। और देखिए मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जब तरबूज आ जाए घर में ना तो सिर्फ बोली कि जल्दी जितना जल्दी हो सके मुझे काट के दीजिए, तो देखिए खा रही है। और देखिए बाबू को क्या कर रहा है, बाबू बनून दिया हुआ है इसको, तो सो के उठेगा तो इसका बस एक ही काम है, बहू मतलब बैलून, इसको बैलून और मंच, ये दो ही चीज़ प्यारा है, इसके सिवा कुछ प्यारा नहीं। तो बस आप लोग खूब एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। और हम लोग भी देखिए यहाँ सारा, अभी हम लोग तीनों बैठ के खा रहे हैं तरबूज। और बस अभी गर्मी के दिन में तो क्या करें, बैठ के सारा काम होने के बाद अपने रूम में बैठे रहते हैं और क्या करें। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सीमा सच व्लॉग के नाम से मेरा चैनल है। और सॉरी थोड़ा आवाज़ हो रहा है ना क्योंकि आज दोनों शरारती घर में है, लेकिन आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये लोग को मना कर रहे, इसीलिए ये लोग नहीं रहता है ना तभी मैं बनाती, क्योंकि ये लोग रहेगा तो मुझे परेशान करेगा। तो अभी तुम लोग खा रहे तो सोचे बैठे हैं तो ब्लॉग बना लेते हैं, इसीलिए बना लेते हैं। जब पापा आ गए हैं, देखिए मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए हैं, खाना खाने के लिए दोपहर में आते हैं, उसके बाद फिर खाना खा के और चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं। तो बस अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। और हाँ, जो लोग चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।